जनाब इस मासूम चेहरे के खतरनाक मंसूबों की हम बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा प्लीज स्टिकर ऑन करिए। यहां पर किम का टारगेट वॉशिंगटन, बड़ा सवाल है हमारे सामने। सिर्फ मार्च के महीने में 7 बार मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को डराने वाले किम जोंग उन ने आज एक बड़ा धमाका कर दिया है। किम जोंग उन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को बड़ी न्यूक्लियर वार्निंग दे डाली है। इसके 4 सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। किम का टारगेट वॉशिंगटन, जरा ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा इस तरफ आता हूं, पहली तस्वीर जरा इस तरफ है और यहां पर अब आप कुछ फैक्ट्स देखिए। यहां से प्लीज कट कर दीजिए राणा साहब। तस्वीर नंबर 1, न्यूक्लियर वेपन रिसर्च इंस्टीट्यूट में किम। नंबर 1 ये है तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है यहां पर। तस्वीर नंबर 2, चेंज करिए इसको आप, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जायजा लिया। नेक्स्ट दिखाइए तस्वीर नंबर 3, न्यूक्लियर पर अधिकारियों को निर्देश। फिर देखिए अब आप तस्वीर नंबर 4, अलग अलग न्यूक्लियर वॉरहेड्स की जांच कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बता रही हैं। अब सवाल यही उठ रहे हैं, सोचिए सवाल ये उठ रहे हैं, क्या जापान का शक अब यकीन में बदलने वाला है? क्या नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है? क्या जापान का शक अब यकीन में बदलने वाला है? क्या नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है? रूस की एटमी वार्निंग, किम के दौरे की टाइमिंग क्यों एक जैसी है? ध्यान से देखिए। बाइडेन समेत बाकी पश्चिमी देशों की टेंशन यही है कि जिस दिन रूस की तरफ से एक के बाद एक न्यूक्लियर वार्निंग आई, ठीक उसी दिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के न्यूक्लियर वेपन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने की तस्वीरें दुनिया के सामने आई। तो क्या नॉर्थ कोरिया जो कुछ कर रहा है वो सब पुतिन के इशारे पर हो रहा है? और क्या किसी भी वक्त न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी के पीछे भी पुतिन का कोई गेम है? नॉर्थ कोरिया की धमकी इसलिए भी डराने वाली है क्योंकि एक दिन पहले जापान की तरफ से कुछ ऐसा ही दावा किया गया था। जापान के मुताबिक प्योंगयांग अगले कुछ हफ्तों में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। इसके संकेत इन तस्वीरों से भी लग रहे हैं जिनमें किम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ाने जा रहा है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स के साथ अहम बैठक की है और न्यूक्लियर काउंटर अटैक के प्लान की समीक्षा भी की है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने इसी हफ्ते अंडर वाटर न्यूक्लियर अटैक करने वाले ड्रोन और न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक विस्फोट का सिमुलेशन भी किया है।